नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट। मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज मैं बात करने वाला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूंगा। सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम करना, चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो में आपको चलते हुए दिखा देंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों ये काम शुरू कीजिएगा। और वीडियो पे आते हैं दोस्तों। पहला ओडीआई मैच इंडियन टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है आपकी, चहल की, शार्दुल की और आपका अक्षर पटेल उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ जो खास बात इन दोनों मैचों ने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से देखी है, वो वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी। यही टीम अपने पिछले दौरे में जब बांग्लादेश के साथ अपनी इंडिया से पहले जो मैचेस खेल रही थी, और यही बल्लेबाज थी टीम पूरी, यही थी गेंदबाजी भी यही थी। पर ऐसा लग रहा था जैसे गली मोहल्ले से पकड़ के वेस्ट इंडीज टीम में खिलाड़ी भर दिए हों, वो 100 रन का आंकड़ा तक नहीं पार कर पा रहे थे। और बांग्लादेश जैसी गेंदबाजी के सामने और जिस तरीके की इंडियन गेंदबाजी है, चहल, शार्दुल ठाकुर, आपका प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आपका अक्षर पटेल, जिस तरीके से इंडियन गेंदबाजी है उसकी आगे ये दोनों ही टीमें, दोनों ही पारियों पर मार्जिन ऑफ एरर से हारी हैं। और 2 रन से पहले मैच में, 3 रन से और इस मैच में भी वो बहुत मामूली अंतर से हारी है। तो जिस तरीके से वो फाइट बैक इंडिया के खिलाफ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शायद उस दौरे में, शायद उस बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन पर उनका कुछ समय बुरा था, अंकगणित या किसी तरह की उनकी राशि फल में कोई दोष था, जिसकी वजह से ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल उलट दिख रहा है जिस तरीके की बल्लेबाजी, शाइन हॉक एक मैच में नहीं चल पाया, शम ब्रुक्स और ब्रेंडन किंग और कैल मायर्स तो बिल्कुल भी नहीं, और आज कैल मायर 2-2 विकेट ले रहे हैं 70-75 रन मार। शाइन हॉक पहले मैच में थोड़ा अनलकी रहे, इस मैच में शतक मारा। और जिस तरह की बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज टीम कर रही है, वो बिल्कुल अपने चरम पर और 300 रन का लक्ष्य दे रही है, उसका पीछा भी कर रही है। अमूमन बहुत शानदार बल्लेबाजी है वेस्ट इंडीज की, बिल्कुल बल्लेबाजी नजर आ रही है। और वेस्ट इंडीज टीम को पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जिस तरीके की ओपनिंग पार्टनरशिप साई हॉक्स और कैली मार्स के बीच इस मैच में घटित हुआ, 39 रन और उसके बाद कैली मार्स और साई हॉक्स का 115 रन का नाबाद स्कोर, और उसके बाद ब्रुक्स का वो 35 रन, और फिर पूरन की वो गेंदबाजी, कुल मिला के जो बल्लेबाजी इनकी रही, जिस तरीके की बल्लेबाजी इन्होंने करी, वो 311 रन का लक्ष्य दिया। और इंडियन गेंदबाजी कहीं ना कहीं बिगड़ से नजर आई, स्पेशली में शार्दुल ठाकुर का तो इस्तेमाल शिखर धवन ने जिस तरीके से किया, 40 ओवर तक उनसे सिर्फ 1 ओवर कराया था। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लेकिन जो भी कारण था जिस वजह से भी इनको पूरे 9 ओवर नहीं किया, और लास्ट में जब वो 45-46 ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, वहाँ वो 2-2 विकेट निकाल रहे हैं, पूरे मैच में 3 विकेट निकाले। अगर शार्दुल ठाकुर का यूज वो स्टार्टिंग स्पेल से करते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। और इंडियन टीम मैच जीती है, लेकिन जिस तरीके से जीती वो इंडियन की शख्सियत को शूट नहीं करता। जिस तरह से भारतीय टीम है, उसकी बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, उस लिहाज से वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम के गात पर तमाचा सरीका लगता है। क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज ने की है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि भारतीय टीम में उसमें युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उनके इंग्लैंड दौरा इतना अच्छा शानदार गया, और वो एक नामी गेंदबाज है, उसके आगे ये बल्लेबाज इतना, और इन बल्लेबाजों का भी पिछला दौरा इतना खराब गया था जिसमें पूरी टीम मिला के 100-10 रन ओडीआई मैचों में नहीं बना पा रही थी। तो या तो इंडियन गेंदबाजी खराब हो रही है, और बिल्कुल खराब हो रही है, मैच जरूर जीत रही है, लेकिन दोनों मैच में वेस्ट इंडीज टीम ने जिस तरीके से 300 का आंकड़ा पार किया है, इंडियन गेंदबाजी, इंडियन कोच और खासकर इंडियन टीम कैंप को सोचने की जरूरत है कि गेंदबाजी में कहाँ वो कमी रह जा रही है जिसके लिहाज से वेस्ट इंडीज टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रही। कुछ एक बल्लेबाज है साइन हॉक को छोड़ दिया, विश्व स्तरीय बल्लेबाज, अच्छा खेलते, बहुत शानदार ओपनिंग सलामी बल्लेबाज है वो। उसके बाद कैली मायर्स और आपका ब्रेंडन किंग और निकोलस क्रून जरूर एक तरीके के बल्लेबाज है जो हंसे हुए सिचुएशन में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। अदरवाइज जो ये बल्लेबाजी कर रही है, खासकर भारतीय गेंदबाजी के आगे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वो देखना और उसको देख के हैरान होना बहुत लाजमी है। मैं एक बार इंडियन टीम की गेंदबाजी का विश्लेषण आपको बताता हूँ जिस तरीके से गेंदबाजी रही। मोहम्मद सिराज 10 ओवर 1 मिनट 47 रन बिना कोई विकेट के, आवेश खान 6 ओवर में 54 रन, और ये एक आवेश खान जो IPL के अंदर सक्सेसफुल बॉलरों में से एक थे जिनका बहुत शानदार IPL गया है,
उसके और बिना विकेट रहे वो उन्होंने विकेट एक भी नहीं लिया, 6 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। शार्दुल ठाकुर 7 ओवर 54 रन 3 विकेट। मैंने अभी आपसे बताया था शार्दुल ठाकुर को शुरुआत में सिर्फ 1 ओवर दिया, उसके बाद 40 ओवर के बाद उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या रणनीति थी इसके पीछे, क्या कारण था जिसके वजह से शार्दुल ठाकुर को इतना वेट कराना पड़ा, अगर उसे पूरे 10 ओवर नहीं कराते हो आप। अगर गेंदबाजी में दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो यही दो एक ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने मिडिल में और शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज की टीम के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगा रखा था। दीपक हुड्डा ने 9 ओवर में 42 रन देखे 1 विकेट और अक्षर पटेल ने 9 ओवर में 1 बैटिंग 40 रन 1 विकेट। और यहाँ पर भी एक चीज़ देखने लगा कि अक्षर दीपक हुड्डा को सिर्फ 10 ओवर क्यों नहीं कराया। युजवेंद्र चहल 9 ओवर में 69 रन 1 विकेट, लेकिन युजवेंद्र चहल को जिस तरीके से यूज किया गया वो संशय का विषय है। जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी को यूटिलाइज किया गया वो थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि युजवेंद्र चहल इस तरीके की गेंदबाजी किसी भी समय किसी भी मैच में परिस्थितियों पर पलट सकते हैं, पासा आपके खेमे की तरफ मोड़ सकते हैं, उसके बावजूद आप उनका यूज नहीं कर पा रहे। जब मिडिल ऑर्डर में निकोलस पूरन के साथ रोमन पावेल और रोमी शेफर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय ही अगर युजवेंद्र चहल का प्रयोग करते हैं, युजवेंद्र चहल जिस तरह के गेंदबाज आप हमेशा मैंने चीज देखा है, अगर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो आप लेग स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराते। और ये इंडियन टीम की ही इंडियन थिंक टैंक नहीं है, ओवरऑल विश्व क्रिकेट की यही थिंक टैंक है कि अगर लेफ्ट हैंडर के आगे लेग स्पिनर या ऑर्थोडॉक्स आपका गेंदबाज है जो वो आपका स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है अगर वो, तो आप उसे गेंदबाजी नहीं दोगे कि आपको लगता है कि गेंद स्पिन होकर लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर की तरफ आती है और वहाँ से उसे स्लो स्वीप करना बहुत ईजी हो जाता है। और ये कुछ ऐसा सोच क्रिकेट जगत में फैल चुका है कि जिससे कि अच्छे लेग स्पिनर कई बार इस सोच की वजह से अनदेखे किए जाते हैं। अगर निकोलस पूरन और युजवेंद्र चहल में से किसी एक को चुनना होगा तो यकीनन युजवेंद्र चहल नंबर एक गेंदबाज हो, किसी भी बल्ले उन्हें मायने नहीं रखता सामने लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर, आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, उनको बॉलिंग दीजिए और उनसे कहिए विकेट चाहिए हमें। वो एक ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी परिस्थिति के हिसाब से अपनी गेंदबाजी कर सकता है और सामने से विकेट निकाल सकता है, और पीछे कई मैचों में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया और उसके बावजूद आप इस गेंदबाज का एक ओवर रोक रहे हो। बेशक 9 ओवर में उन्होंने तकरीबन 60 रन से ऊपर दिए हैं, फिर भी अगर आप उनके ओवर को स्पेल को शार्दुल ठाकुर का स्पेल का इंट्रोड्यूस करते कि ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट निकाल के देंगे। और जब आपका हुड्डा और अक्षर पटेल ने एक बीच का जो 20 से 30 35 40 ओवर तक का जो स्पेल था वहाँ अक्षर और हुड्डा ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, जब वहाँ रन गति को मेंटेन रोका गया था इन दोनों ही गेंदबाजों द्वारा, बैट्समैनों को थोड़ा अंकुश लगा हुआ था, तब आपने वहाँ शार्दुल ठाकुर का ओवर क्यों नहीं कराया बीच में जब सिचुएशन आपके हिसाब से चल रही थी और रन रेट उतना हाई नहीं था, तो आप अपने इन गेंदबाजों को बीच में यूज़ कर सकते थे। ये कुछ ऐसी रणनीतियाँ होती है जिसे उसी समय कप्तान को लेने की जरूरत होती है मैच का, अगर वो पासा पलटना चाहते हैं या अपने किसी भी गेंदबाज का जो एक खराब स्पेल गया है उसके स्पेल को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन ऐसे समय को ढूंढना होता है जहाँ आप उसके बाकी बचे हुए ओवर को यूटिलाइज कर सके, ना यूटिलाइज कर सके बल्कि एक दो चार विकेट भी निकाल सके। तो ये एक ऐसा मौका था जब दोनों ही पार्ट टाइम गेंदबाजों ने एक भूमिका एक समय बांध दी थी और मेन लीड गेंदबाज से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप अपने इन गेंदबाजों की जो मेन गेंदबाज है उनको ला सकते थे और एक स्पेल 2 ओवर 3 ओवर का एक स्पेल डलवा सकते थे। शायद उस स्पेल में कुछ अच्छा निकल के आता, 311 रन का लक्ष्य का जब पीछा करने भारतीय टीम उतरी तो इस बार शिखर धवन और शुभमन गिल की बल्लेबाजी नहीं चल पाई। इस बार शिखर धवन 13 शुभमन गिल ने जो 43 रन का एक स्कोर किया, लेकिन गेंदबाजी में रोमन शेफर्ड और कैली मार्श में अभी चर्चा करा था कि कैली मार्श वो है जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्हें ओवर तक नहीं मिल रहा था और मिल भी रहा था तो 2 ओवर 4 ओवर पूरा कोटा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इस मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाले और अंजारी जोसेफ आप अटैच देखिए आप शिखर धवन 13 उसके बाद रोमन शेफर्ड। बल्लेबाजी इंडियन टीम की पहले मैच में बहुत अच्छी थी, इस मैच में भी 5 बैक और नंबर 6 से 7 तक के बल्लेबाजों ने अपना योगदान दिया, शुभमन गिल हो चाहे श्रेयस अय्यर है सूर्य कुमार यादव जितना बड़ा इनका हाइप और नाम है आई थिंक या तो वो बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारा जा रहा है वो फर्स्ट डाउन खेलने के आदि है, क्योंकि पिछले दोनों ही मैचों में उनके बल्ले से वो रन नहीं निकला। आपका संजू सैमसन भी इस मैच में प्रदर्शन अच्छे किया, 54 रन बनाए और उसके बाद आपका दीपक हुड्डा अक्षर पटेल 64 रन और 1 विकेट
तो अक्षर पटेल का एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस मैच में दिखा और जो भारत को जीत चाहिए थी वो अक्षर पटेल के बल्ले से ही निकले। तो बल्लेबाजी भारतीय टीम सक्षम है, ओपन से लेके नंबर 7 या 8 तक के बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर से लेकर मोहम्मद सिराज और स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी इस समय इंडियन टीम के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं और जबकि 5 से 7 दिन पहले ही उनका यह प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था बांग्लादेश जैसी सरी की टीम के आगे, या तो इंडियन टीम जो स्पिन अपना बेहतरीन नहीं करा पा रही है और फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जिस तरीके से गेंदबाजी हो गई है, इस विषय में सोचने की बहुत जरूरत है। बहरहाल इंडियन टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार रहा, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी बल्लेबाज जिसको सूर्य कुमार यादव को 2 मैचों में छोड़ दिया जाए, अदरवाइज शिखर धवन का प्रदर्शन लाजवाब रहा है, शुभमन गिल दोनों ही मैचों में, श्रेयस अय्यर दोनों ही मैचों में, संदीप सैमसन का प्रदर्शन बहुत शानदार, अक्षर पटेल ने दोनों मैचों में बल्ले से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस मैच में गेंदबाजी बहुत अच्छी की, दीपक हुड्डा ने भी गेंदबाजी बहुत अच्छा की, शार्दुल ठाकुर एंड में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी से अभी वो एक मैच जिताओ पारी निकलनी बाकी है। तो देखना होगा जो मैच परसों खेला जाने वाला है उसमें किस तरीके से भारतीय गेंदबाज अपना रोल निभा पाते हैं, कि सबसे जरूरी है भारतीय गेंदबाजों का एकजुट होकर प्रदर्शन करना। वेस्ट इंडीज टीम का 300 रन का जो ये लक्ष्य हर बार बना पा रही है उसको रोकने की जरूरत है और उसके लिए द्रविड़ एंड कंपनी क्या एक मंथन करती है, क्या एक योजना बनाती है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज जैसी टीम के 300 रन का, सबसे बड़ी बात वेस्ट इंडीज टीम में हुनरमंद प्लेयर है लेकिन उसके बावजूद ये नए तरीके बल्लेबाज है, जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजी और इसके आगे बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी तो बेहतर हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। स्पेशली द्रविड़ को इस विषय पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मैं इस विषय में कह रहा हूँ कि इंडियन गेंदबाजी खराब होगी, कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा जल्दी अपने नतीजे निकाल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आप 2 मैचों का एनालिसिस कीजिए ना, एक मैच इत्तफाकन हो सकता है लेकिन दोनों मैचों में जिस तरीके से बल्लेबाजी की गई है पूरे 50 ओवर वेस्ट इंडीज खेल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या कि अगर 25-30 ओवर में वेस्ट इंडीज एक 10 से 15 ओवर का स्पेल ऐसा हार्ड हिटिंग करता है, उसमें 100-200 रन बनाता है, उसके बाद तुरंत जल्दी उनकी विकेट सिमट जाती है, तो वो नजर आता है कि एक छोटा सा स्पेल कैमियो खेला गया वेस्ट इंडीज के द्वारा और 15-20 ओवर में उन्होंने 150 रन बनाया और बाकी 30 ओवर में 100 रन बनाया और वहाँ वो 300 के आंकड़े के आसपास पहुँच गए, लेकिन पूरे पहले ओवर से लेकर 50 ओवर तक बल्लेबाजी एक जैसी रह रही है, उसका गियर ग्राफ बढ़ ही रहा है और उठा पटक वाले शॉट में सब बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, इसमें कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी खराब हो रही है इसमें कोई शक नहीं है, और ये मैं 2 मैचों के प्रदर्शन के हिसाब से कह रहा हूँ, मेरा नजरिया इतना खराब नहीं है, मैं इतना खराब आंकड़ा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ भारतीय गेंदबाजी और भारतीय टीम के में कुछ कमियाँ कुछ है तो उसको सुधारने की बहुत जरूरत है अगर इस पर मेहनत की जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम मुझे नहीं लगता कि जो इसके बल्लेबाज इस समय है 200 रन का भी आंकड़ा पार करने में सक्षम है, क्योंकि जो टीम मेहंदी हसन के आगे, मेहंदी हसन आपका नसूर अहमद और आपका सिजादुल अहमद के आगे, महमूदुल्ला के आगे, मुस्तफिजुर रहमान के आगे जो गेंदबाज 3-3, 4-4 विकेट निकाल रहे हैं और उनकी गेंदबाजी के आगे बल्लेबाज फर्स्ट नजर आ रहे हैं, वो भारतीय पेस अटैक और स्पिन तिकड़ी के आगे कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, ये या तो ये वाकई में कुछ अलग से हो रहा है जिसकी कल्पना हम सब नहीं कर सकते और लेकिन ये तो एक ख्याली फुलाव है जो हम सब कह देंगे, कुछ ऐसा करिश्मा हो रहा है, क्रिकेट में करिश्मा है हर पूरे 50 ओवर तक नहीं चलेंगे ना, करिश्मा होता है, मिरेकल भी होते हैं, वो एक आध बाय ऑफ फैक्ट कह सकते हैं कि कोई एक विकेट बच जाए, कुछ ऐसा एक आध ओवर में हो जाए कि 6 छक्के लग जाए, लेकिन पूरे 50 ओवर तक करिश्मा चलता रहा फिर वो जादुई करिश्मा नहीं कहलाता, फिर वो इंसान के द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा की गई गलतियाँ नजर आती है उसमें, तो अगर उनकी मेहनत वो कर रहे हो तो आप अपनी खामियों को देखिए कहाँ आपसे गलती हो रही है। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे, तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।